नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु पामेस्ट्रियन जेमिस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए सिंह राशि का मार्च 2021 का होरोस्कोप कैसा रहेगा इसके विषय में बतलाऊंगा। तो इस होरोस्कोप को समझने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को खोल लें और खोल करके उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, परंतु उनमें से एक कुंडली जिसके ऊपर लग्न कुंडली या जन्म कुंडली लिखा होगा, उस कुंडली में आप देखें फर्स्ट हाउस के अंदर पांच नंबर जहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा है उसी प्रकार उसी जगह अगर पांच लिखा है तो आपका सिंह लग्न हो गया। तो यह होरोस्कोप आपके लिए है और यह होरोस्कोप आपके ऊपर 80% इफेक्टिव रहेगा। और यदि किसी कारण से आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है और आपके नाम का पहला अक्षर मैं मी मू मे मो टे टी टू टे इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी नाम राशि सिंह हो गई। सिंह नाम राशि में यह होरोस्कोप 20% इफेक्टिव रहेगा। इस होरोस्कोप में मैं आपको सबसे पहले कुछ गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप नोट कर लें जो आपके लिए लाभदायक रहेंगी। कुछ गुड डेट्स होंगी जो आपको मनी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने में लाभदायक होंगी, कुछ आपको जॉब और आपके बिजनेस के लिए, और कुछ बैड डेट्स होंगी जिनसे आपको बचकर अपने सभी कार्यों को करना है। तो सबसे पहले मैं आपको गुड डेट्स फॉर मनी के विषय में बताना चाहूँगा, आप नोट कर लें। 1 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख, इन डेट्स में आप मनी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं या इन डेट्स में मनी फ्लो आपके पास होना चाहिए, इन डेट्स में मनी फ्लो आपके पास बना रहेगा। ये डेट्स मनी फ्लो के लिए आपके लिए लक्की रहेंगी। और यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 18 और 19 तारीख को अपने इंटरव्यू के लिए यूज कर सकते हैं। इन डेट्स में दिया हुआ इंटरव्यू आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। और यदि आप जॉब कर रहे हैं और अपने बॉस से किसी प्रपोजल के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं या अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं या अपना प्रमोशन कराना चाहते हैं, उसके विषय में अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन डेट्स का प्रयोग करके इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, या आप अपने बिजनेस में किसी और बिजनेस को ऐड करना चाहते हैं, तो इन डेट्स को आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये डेट्स आपको आपके बिजनेस में लाभ प्राप्त कराने में सहायक होंगी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ बैड डेट्स बताना चाहूँगा, जिन बैड डेट्स में आपके लिए आप थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, थोड़ा अनहेल्थी फील कर सकते हैं या एक्सपेंसिव हो सकती हैं, ये सब तरह की चीज़ें होंगी, आप इन्हें नोट कर लें। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13, 14, 23 और 24 तारीख, इन डेट्स में आप जब भी अपने ऑफिस या अपने बिजनेस प्लेस पर जाएं, तो इस समय में आप अपने इष्ट देव का या हरि नाम का सुमिरन करें, जिससे कि आपको ये जो बैड डेट्स हैं ये इफेक्ट ना पहुंचा पाए और आपका दिन आनंदपूर्वक व्यतीत हो और आपको लाभ प्राप्त हो। तो चलिए अब मैं आपको इस महीने के अंदर सिंह राशि वालों के लिए खास क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस महीने में सिंह राशि वाले सरकार से मिलकर अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रहेंगे। वे जिस भी प्रोफेशन में हैं वहाँ पर उनकी पावर ऑफ अथॉरिटी की चर्चा होगी। वे
एक तरीके से कह सकते हैं कि टीम लीडर की तरीके से या एक पॉलिटिशियन की तरीके से अपने आप को पेश करेंगे और उसमें सक्सेस होंगे। तो चलिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 मार्च को आप अपने अपनी फैमिली के साथ होंगे और फूड और फाइनेंस का लाभ उठाएंगे। अच्छा भोजन और अपनी फैमिली के साथ आप आनंद से रहेंगे। 2 और 3 तारीख आप अपने भाई बहनों के साथ, अगर किसी प्रकार के रिलेशन खराब हैं तो उन्हें ठीक कर पाएंगे, या आपको अपने पड़ोस में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। 4 और 5 तारीख को आप अपने घर के अंदर आराम से रहेंगे और आप अपने घर के अंदर एक शांति का अनुभव महसूस करेंगे। इसके साथ ही आप यदि अपनी माता से दूर रहते हैं तो अपनी माता से आप मिलने जाएंगे, या अपनी माता से किसी भी प्रकार से टेलीफोनिक माध्यम से बात करेंगे और आपको आनंद का अनुभव होगा। 6 और 7 तारीख, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप इस समय में एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे। इस समय में पढ़ा हुआ आपको थोड़े समय में जल्दी याद हो जाएगा। और यदि आप किसी क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हैं तो आप इस समय कुछ ऐसा क्रिएटिव कार्य कर पाएंगे जिसकी वजह से आपको लाभ प्राप्त होगा। 8, 9 और 10 तारीख, इन डेट्स में आप अपने मामा और मौसी से किसी प्रकार का मिलना या उनसे बात करना, किसी प्रकार की एडवाइस लेना, ये आप उनसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट्स में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन डेट्स में किया हुआ एप्लीकेशन आपको आपका लोन दिलाने में सहायक होगा। 11 और 12 तारीख, आप यदि कोई बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर की मदद से अपने बिजनेस को ग्रो होता हुआ देखेंगे और उसके साथ आनंद का अनुभव करेंगे। और यदि आप मैरिड हैं तो आप इन डेट्स में अपने स्पाउस के साथ आनंद से रहेंगे और आप रोमांस से भर जाएंगे, रोमांटिक होंगे और आपका स्पाउस भी रोमांटिक होगा। 13 और 14 तारीख, इन डेट्स में आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें और हो सकता है आपको अपने स्पाउस के परिवार में विजिट करने का मौका भी प्राप्त हो। 15, 16 और 17 तारीख, इस समय में भाग्य आपका साथ देगा। आपके सभी कार्य भाग्य के सपोर्ट से पूरे होते दिखाई देंगे और आप धार्मिक विचारों के होंगे। आपके मन में धार्मिक विचार आएंगे। हो सकता है आप कोई धार्मिक यात्रा भी इस समय में कर लें। आपको धर्म का और धर्म से जुड़ने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त होगा। 18 और 19 तारीख, इस डेट्स में यदि आप जॉबलेस हैं और इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो इन डेट्स को अपने इंटरव्यू के लिए यूज करें। इन डेट्स को यदि आप यूज करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो इन डेट्स पर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना या किसी और प्रकार से बिजनेस में किसी बिजनेस को मर्ज करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इस समय में आपको आपके बिजनेस, आपके कार्य क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा। 20, 21 और 22 तारीख, इन डेट्स में आप अपनी सेविंग में चेंज करेंगे। हो सकता है आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस में अपने नेम फेम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। 23 और 24 तारीख, ये डेट्स थोड़ी एक्सपेंसिव डेट रहेंगी। इन डेट्स में आपके खर्चे अधिक होंगे। और यदि आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। इस समय में यदि आप शॉपिंग करते हैं तो
आपका पैसा आपके घर के ऊपर ही खर्च होगा। 25 और 26 तारीख, इन डेट्स में आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा वीडियो आप देखने लगेंगे या कोई ऐसी बुक आप पढ़ना शुरू कर देंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। आप अपने हेयर स्टाइल चेंज करने के विषय में, अपने फेस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी बॉडी को स्टाइलिश बनाने के ऊपर खर्च करेंगे। और हो सकता है आप अपने जीवन के लिए कोई ऐसी योजना बनाएं जो आपको भविष्य में लाभ दे। 27 और 28 तारीख, आप फिर से अपने फैमिली के साथ होंगे। आपको अच्छा भोजन और अच्छी फैमिली का सुख प्राप्त होगा और आप अच्छे भोजन के साथ आनंद से रहेंगे। 29 और 30 तारीख, आप अपने पड़ोस में, पड़ोस के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस डेट को आप अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधार सकते हैं और उनके यहाँ किसी कार्यक्रम में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। 31 तारीख, आप अपने घर में खुशी से होंगे, घर के अंदर खुशी का माहौल होगा और किसी न किसी प्रकार की सुख और शांति आपको आपके घर के अंदर, आपके दिल के अंदर प्राप्त होगी। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2021 का हॉरोस्कोप। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।